खरगोन जिले के झिरनिया शासकीय अस्पताल की जननी एक्सप्रेस और 108 होने के बावजूद भी वाहन समय से नहीं पहुंचा और इस बीच बच्चे की मौत हो गई। समय पर एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने के कारण मनिकीरा गांव की एक लड़की भगवती पति दिलीप जाति भील के बच्चे की मौत सोमवार को हो गई। जब उसके परिवार के लोग जीवन बचाने वाली 108 के लंबे समय इंतजार के बाद 108 से अस्पताल लेकर आए। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने और मनिकीरा गांव के आशा कार्यकर्ता ममता ने बताया कि महिला गर्भवती को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। रात 9 बजे से 108 पर जल्दी एम्बुलेंस भेजने के लिए कई बार फोन किया तो कई घंटों के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसी बीच घंटों प्रसूता के परिजन एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। उसके बाद हमने 108 पर कॉल किया तो हमें बताया गया कि रास्ता खराब होने से गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी। ऐसा कहकर हमें टाला गया और वाहन नहीं पहुँचा, जिसके बाद रात को 1 बजे बच्चे का जन्म लड़की के घर ही हो गया। फिर सुबह 8 बजे 108 के द्वारा जच्चा बच्चा दोनों को लाया गया। परिजनों ने कहा कि जब सुबह वाहन आ सकता है तो रात को क्यों नहीं, जब हमारे गांव में बन रहे घरों के लिए सामान लेकर बड़े बड़े वाहन आ रहे हैं तो 108 क्यों नहीं आती। इस घटना में बच्चे की माँ के आंसू नहीं रुक रहे हैं और 108 चालक परिजनों से 100 रुपये लेकर रवाना हो चुका था। फिर डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की धड़कनें बंद हो चुकी है। समय से वाहन 108 नहीं पहुंचने से बच्चे की मृत्यु हो गई। डॉक्टर दीपक सस्त्रे ने बताया कि बच्चे को जब हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तब बच्चा मर चुका था। जब इस घटना का झिरनिया तहसीलदार जगन प्रसाद को पता चला तो तुरंत नायब तहसीलदार वीरेंद्र कटारे को जांच के लिए अस्पताल भेजा। नायब तहसीलदार वीरेंद्र कटारे ने 108 में हो रही लापरवाही के लिए BMO को जांच के दिए निर्देश। झिरनिया से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। कितनी बार फोन लगाया आपने? हमने तो 11 बजे से 9 बजे से उनको तकलीफ थी, कितना 9 बजे से लगा के हमने 11 बजे 12 बजे तक लगाया। कितनी बार फोन लगाया? 5-6 बार लगाया। 5-6 बार? हाँ, आशा कार्यकर्ता भाई ने भी लगाया, उनने भी 2-3 बार लगाया, उनको उनका मोबाइल बंद कर लिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, कुछ पैसे भी मांगे गए गाड़ी वाले से? हाँ, फिर हम आए उनके साथ में। अच्छा। तो उनने हमारे से 100 रुपया लिए तो हमने दिए। कमरा में कर छोड़ के आती हूँ फिर जान, जब तक वो आई तब तक तो चले गए, उनके पास भी नहीं नंबर उनके। हमने बोला कि हमारे गाँव में ऐसी कुटिए रोन बन रही तो खंडवा से सेनावत से सब दूर से गिट्टी उट्टी माल ला रहे हैं, बड़ा बड़ा वाहन था रहे, तुम आ जाओ। तो आए ने हमारे गांव में भी साधन, उनको भी बोला था, उनकी उनके शादी शुदा चल रहे बारेले लोग की, तो शादी शुदा में थे तो वो भी नहीं आए। गाड़ी थी घर की मोटरसाइकिल तो वहाँ का वो लेडीज को बैठा आ रहा था, तो हम लाए तो परेशानी आ गई बच्चे को। तुम्हारी बेटी है वो, है ना? हाँ, भगवती भाई। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।